तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। तो गाइस आज के वीडियो का थंबनेल देखकर शायद आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया, तो गाइस चलिए वीडियो को पूरा देखते हैं और गाइस शायद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और गाइस मैं हूँ राकेश, आप लोग देख रहे हैं क्ले कार्टून इंडिया चैनल को। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम पूरी तरह से प्रूफ कर देंगे कि गाइस लैटियस एंड लैटियस क्यों एक साथ रहते हैं और गाइस एवर प्लस और माइनम क्यों एक साथ रहते हैं। तो गाइस इसका जो पहला प्रूफ है, तो गाइस लैटियस एंड लैटियस का जो कलर है, गाइस लैटियस का कलर है रेड एंड व्हाइट एंड गाइस लैटियस का कलर है ब्लू एंड व्हाइट। और गाइस यहाँ पर प्लस प्लस का हाइट है रेड एंड व्हाइट और यहाँ पर मानूम का हाइट है ब्लू एंड व्हाइट, क्योंकि गाइस मानूम का कलर लैटियस से मिलता है एंड गाइस प्लस का जो कलर है वो लैटियस से मिलता है। तो गाइस इससे सब सब प्रूफ हो जाते हैं जो कि गाइस ये दोनों का फोन बिल्कुल एक ही डीएनए से बना है। और गाइस दूसरा जो प्रूफ है, गाइस एक है दूसरा प्रूफ है क्योंकि गाइस मेरे ख्याल से दोनों पोकेमॉन जुड़वा है। और गाइस मैं इस बात को क्यों कहता हूँ कि दोनों पोकेमॉन जुड़वा है, इसका भी मेरे पास प्रूफ है। तो गाइस अगर आपने कोई भी मूवी में आप लोग शायद देख चुका है कि अगर एक जुड़वा को अगर चोट लगते है तो गाइस दूसरे जुड़वा को जरूर चोट लगता है। बस यही एक रीज़न है जिससे गाइस वो दोनों पोकेमॉन का भी एक दूसरे से अलग नहीं होता। और गाइस जब हमने एस और टोबियस के बैटल में देखा, जब एस का पिकाचू ने टोबियस की जो लैटियस है उसको घायल कर दिया, तब गाइस टोबियस ने लैटियस को यूज़ नहीं किया क्योंकि गाइस उसके पास लैटियस था। और गाइस वो लैटियस का यूज़ इसलिए नहीं किया क्योंकि लैटियस जब घायल हो गया था तब लैटियस भी घायल हो गया था। और गाइस यहाँ पर अगर प्लस और माइनम की बात करते हैं, तो गाइस हमने डीऑक्सिस मूवी में देखा था जो गाइस माइनम को डीऑक्सिस ने पकड़ लिया। और गाइस प्लस उस बात से बहुत ज़्यादा परेशान था और गाइस बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में था और गाइस इधर उधर घूम रहा था। गाइस दोनों के बगैर और एक दूसरे के बगैर वो गाइस दोनों को फोन नहीं रह सकता। और गाइस बस यही एक रीज़न है जिससे कि एक प्रूफ होता है गाइस दोनों का डीएनए बिल्कुल सेम और सेम है। और गाइस मेरे ख्याल से चारों पोकेमॉन का डीएनए बिल्कुल एक ही मैच्योर से बनाया गया है। तो गाइस इस पोकेमॉन को हम ये भी कह सकते हैं जो कि गाइस एक चूबा पोकेमॉन है। तो गाइस आज का वीडियो एंड थ्योरी यही बार ख़त्म होता है। तो गाइस अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर भी कर लेना। और गाइस अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना कहीं मत जाना। तो चलिए गाइस आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट किसी वीडियो में। और गाइस वीडियो के बाद में एक बात मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ, गाइस मैं बंगाली हूँ, मुझे हिंदी बोलने में थोड़ा सा परेशानी होता है, तो गाइस प्लीज़ मुझे माफ कर देना। तो चलिए गाइस मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट किसी वीडियो में।